हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, ये आपका सप्लीमेंट्री का लेसन वन है। सप्लीमेंट्री आपकी इंग्लिश की बुक के पीछे दी हुई है, उसके आपके पांच लेसन हैं। पांच में से आपको प्री मिड में एक लेसन करवाऊंगी और बाकी के लेसन आपको आगे के टर्म में करवाए जाएंगे। तो जो ये फर्स्ट लेसन है आपका सप्लीमेंट्री का, इसमें कोई भी बुक वर्क नहीं है, इसमें केवल वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन वन। लेसन वन के है वर्ड मीनिंग। लेसन का नाम देखिए पहले, द गूज विद द गोल्डन एक्स। गूज, गूज मीन्स होता है हंसनी। हंसनी अपने सुनहरे अंडे के साथ, हंसनी का जो है उसको एक सुनहरा अंडा देती है। आपने इसकी बुक रीडिंग करी होगी। इसकी बुक रीडिंग में आप, इसकी बुक रीडिंग जो है बहुत अच्छी एक स्टोरी है। इसमें बताया गया कि कैसे एक जो किसान होता है वह कैसे हंसनी को मारकर उसके सारे अंडे निकाल लेता है, वह लालची बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूज, गूज मीन्स होता है हंसनी। गूज मीन्स हंसनी। गोल्डन, गोल्डन मीन्स सुनहरा। फार्मर, फार्मर मीन्स किसान। ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला। नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। रिच, रिच मीन्स अमीर। ग्रीड, ग्रीड मीन्स लालच। और सोल्ड मीन्स बेचा। ओके, रिपीट करती हूँ। गूज, गूज मीन्स हंसनी। गोल्डन मीन्स सुनहरा। फार्मर मीन्स किसान। ब्राइट मीन्स चमकीला। नेस्ट मीन्स घोंसला। रिच मीन्स अमीर। ग्रीड मीन्स लालच। और सोल्ड मीन्स बेचा। ओके, आगे देखते हैं। आगे आते हैं इसे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर गिव, व्हाट डिड द फार्मर हैव ऑन हिज फार्म। किसान ने अपने फार्म पर यानी अपने खेत पर क्या देखा। किसान का एक फार्म है बहुत बड़ा, उस पर उसने बहुत सारे पशु पाल रखे हैं। तो उसने अपने फार्म पर क्या देखा। द फार्मर हैड ए गूज ऑन हिज फार्म। फार्मर ने अपने फार्म पर एक गूज यानी कि एक हंसनी को देखा। तो गूज मेन है GOOSE, गूज। व्हाट डिड द फार्मर फाइंड इन द गूज नेस्ट वन डे। एक दिन किसान ने गूज नेस्ट यानी कि हंसनी के घोंसले में क्या पाया। ही सा ए ब्राइट येलो थिंग। उसने देखा ब्राइट चमकीली येलो रंग की एक चीज़ को हंसनी के नेस्ट यानी कि हंसनी के घोंसले में चमकते हुए देखा। उसने एक येलो रंग की चीज़ को हंसनी के घोंसले में चमकते हुए देखा। व्हाट डिड द फार्मर थिंक एट फर्स्ट। किसान ने सबसे पहले क्या सोचा। एट फर्स्ट ही थॉट समवन हैड प्लेड ए ट्रिक ऑन हिम। एट फर्स्ट सबसे पहले उसने सोचा समवन हैड प्लेड कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। हाउ डिड द फार्मर बिकेम रिच। किसान कैसे अमीर हो गया। ही सोल्ड द गोल्डन एग्स एंड बिकेम रिच। उसने सारे अंडे बेच दिए और वह अमीर हो गया। व्हाई डिड द फार्मर लाइक द किल द गूज। किसान ने हंसनी को क्यों मार दिया। ही थॉट, उसने सोचा दैट इफ ही किल द गूज कि यदि वह हंसनी को मार देगा, ही वुड फाइंड ऑल द एग्स इन इट्स स्टमच, तो वह उसके पेट से सारे अंडे निकाल लेगा। डिड ही अचीव हिज पर्पस। क्या उसका उद्देश्य पूरा हुआ। तो इसका आंसर आएगा नो, नो ही डिड नॉट अचीव हिज पर्पस। नहीं, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। भाई हंसनी का उद्देश्य, सॉरी किसान का उद्देश्य क्या था कि उसका हंसनी को मारकर उसके पेट से सारे अंडे निकालने का था, लेकिन उसका उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि किसान तो हंसनी तो मर गई और उसका पेट अंदर से खाली था, तो उसका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपके लेसन वन के, सप्लीमेंट्री के लेसन वन के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू।